अब शिमला को अलविदा कहने की बारी आ गई है। बाहर हमारी टैक्सी भी आ चुकी है और ये भी तैयार होकर एकदम कैमरा उमरा लगा एकदम गर्दा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका स्टेबल जंगल के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। सो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के शिमला के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। समय बज रहे हैं 11 बज चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं आज यहाँ से शिमला टू मनाली के लिए। तो हम अभी होटल में अपने पूरा पैकिंग वगैरह हो चुकी है, हमारी पैकिंग वगैरह हो रही है, देखिए ऑलमोस्ट पूरी पैकिंग हो चुकी है और ये तैयार होने जा रही हैं। मैं तो तैयार हो चुका हूँ, देखिए कैसा लग रहा हूँ। ये देखिए, इसमें एकदम लोअर में पुमा का लोअर है और नया टी शर्ट एकदम गर्दा है गुरु। दिखाओ कैसा लग रहा ठीक थोड़ा। और यहाँ से जाने के लिए मैंने करी है टैक्सी, जो कि शिमला हमने बस में जाना, तो बस में जाना यार थोड़ा संभव नहीं है। अब थोड़ा साथ में है तो थोड़ा जलवा दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने करी है टैक्सी। तो टैक्सी मुझे पड़ी है, कितने की पता है आपको? 14,000 रुपये में शिमला टू मनाली। और मनाली में हमें 4 दिन वो पूरा जितने टूरिस्ट पैलेसेस हैं, रोहतांग वगैरह पूरा कवर कराएंगे। तो 14,000 रुपये में घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है आप लोग बताइएगा, ठीक है? जिसमें मुझे घुमाएंगे कहाँ कहाँ, 14,000 रुपये में बता रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए। जिसमें हम यहाँ से शिमला से अभी निकलेंगे, जाएंगे सुदामा लेक, उसके बाद पोंडो डैम, उसके बाद हनोगी टेम्पल, उसके बाद जाएंगे कुल्लू। कुल्लू मणिकरण कसोल में हम एक दिन रुकेंगे, वहाँ घूमेंगे। उसके बाद मनाली में तीसरे दिन का साइट सीन करेंगे और चौथे दिन रोहतांग और क्या है अक्कल कोस्टर, कुछ जहाँ पे बर्फ़ वगैरह थी वहाँ जाएंगे, ठीक है? तो ये प्लान है। अब ये हमने किया हुआ है, आप बताइएगा सस्ते में किया हुआ है महंगे में कर लिया है। ऑलमोस्ट सामान जो हमारा है ये पूरा ये पैक हो चुका है पूरा सामान। ये मेरा लैपटॉप का बैग इधर पड़ा हुआ है, इनका बैग है, हम दोनों का कपल बैग, अभी अभी पूरा ऑलमोस्ट पैक ही हो गया। इन्होंने अपना सामान पैक कर लिया है और मेरा लैपटॉप वगैरह इधर पड़ा हुआ है, ये देखिए इधर। यार लैपटॉप भी डाटा बैकअप ले रहा था वो ले लिया है। और यहाँ पर मेरे गोप्रो आईफोन वगैरह की बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं, तो ऑलमोस्ट अभी अभी कम्प्लीट ही हो जाएगा। तो देख लिया आपने, अब चलिए फटाफट चलते हैं और टैक्सी वाले को फ़ोन करते हैं जैसे वो आते हैं, ले चलते हैं आपको शिमला टू मनाली। तो भैया लोग जैसा देख सकते हैं, या हाँ दरवाजे टांग को तो भैया लोग जैसा देख सकते हैं, अब शिमला को अलविदा कहने की बारी आ गई है। बाहर हमारी टैक्सी भी आ चुकी है और ये भी तैयार होकर एकदम कैमरा उमरा लगा एकदम और गर्दा। और क्या उसके बाद अभी वो हमारा सामान वामान भी पूरा पैक हो गया है। अभी ये बड़ा वाला बैग है हमारा, हम कभी फैमिली साथ में जाते हैं तो ये देखिए पूरा हमारा ये कपल बैग लेके जाते हैं। इसमें इन्होंने कुछ गिफ्ट आइटम वगैरह लिया है तो वो रखा हुआ है, बाकी ये कैमरा टांग लिया है। और बाकी मेरा देख लीजिए, मेरा देखेंगे तो हटो ना आगे से आ हाँ जाती, मेरा देखेंगे तो मेरा कंप्यूटर वगैरह का सामान पूरा इसमें आ जाता है, ये देखिए, ठीक है? तो अब चलिए आगे आ जा रही हो, आगे में क्या अंधेरा अंधेरा आ रहा है, देखो सनक रही, देख रहे हैं सनक रही है। बुलाते फिर तुम का के बात करोगी, कहाँ बुलाते बुलाते क्यों है नहीं बोल बुला सकते, बुलाते क्यों है नहीं, मैंने यही तो बोला बुलाते क्यों हो फिर बोला बुलाते क्यों हो, बुलाते क्यों है फिर होता है तो। चलो 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 चलो, हो का मतलब होता गलत होता है हो का मतलब बुलाते क्यों हैं? है या हो गलत होता है हाँ हाँ तो फिर हाँ चलिए मतलब हो बुलाते खोलो यार इसको, अरे यार खोलो तो। इनसे छोटा सा काम नहीं होता, सामान सारा मैला दूं सब कुछ करूं इनसे ताला भी नहीं खुलता है बताओ। एक सौ पचास मेरा चश्मा छूट गया तो नीचे लेने के लिए। कहाँ पे भैया? आइए आइए इधर देखिए, दिए नहीं उन्होंने 200 का नोट दिया तो
आगे देख सकते हैं, आगे हमारी टैक्सी आ चुकी है, गाड़ी है टोयोटा की इटोस, 14,000 रुपये भी तो लेंगे गुरु। तो अब हम यहाँ से चलेंगे, समय हो रहे हैं 11:45 और हम अभी शिमला से निकल चुके हैं मनाली के लिए। तो सबसे पहले हम किधर जाएंगे? यहाँ से भी अभी चलते रहेंगे, हम रुकेंगे हराबाग में। हराबाग सुंदरनगर के साथ आता है। अच्छा, रास्ता मतलब मैं वहाँ से तो अभी कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगेगा। 2 से 2.5 घंटे सुंदरनगर में रुकेंगे ना जी। उस जगह का नाम है हराबाग, क्योंकि बताते जाएंगे ना, आपका नंबर भी दूंगा तो अगले टूरिस्ट आएंगे वीडियो देख के तो डायरेक्ट आपसे संपर्क करेंगे, यहाँ यहाँ रुक रहे हैं ऐसे ऐसे। ये भैया हैं, ये ड्राइवर साहब हैं, ये क्या नाम है सर आपका? शशि नाम है भैया। तो मैं इनका नंबर दे दूंगा, आप भी कभी अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं शिमला मनाली आप टूर के लिए गाड़ी वगैरह चाहिए तो आप इनसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा नेचर है इनका। अभी अभी हम बैठे हैं यहाँ पे और अभी हम निकल चुके हैं, तो आगे का आप नज़ारा देखिए फिर आगे आपको दिखाते हैं। मोबाइल बिल्कुल मत चला, मोबाइल चलाओगे पक्का सर घूमेगा, क्योंकि मेरा घूमता है। मैं चला रही हूं, मैं सोच रही हूं रास्ते में कहीं पे अगर अच्छी मतलब ऐसी जगह में वो आम पापड़ होता है ना वो ले लूं। आम पापड़ क्या होता है? आम पापड़ मिलता होगा ना यहां पे कहीं पे भी, यहां पे तो ऑब्वियसली मिलता होगा। आम पापड़ होता क्या? आम पापड़ होता है खट्टा खट्टा, उसे खाने से ना अच्छा लगता है, उल्टी नहीं आती है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? जी हां। थैंक यू बताने के लिए। आम पापड़ जब भी ऐसा सफर किया जाता है तो आम पापड़ उसके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि गन्ने का जूस नारियल पानी जी, खाओ मत ज्यादा, खाओ मत पियो जितना अगर हम खाते है ना तो वैसे घुंगनी चढ़ने लग जाती है। क्योंकि हम गैंगटॉक गए थे ना तो हम पहाड़ी पे गए थे तो उन्होंने बोला था भैया कपूर रख लो, कपूर कोई काम का आया नहीं। लेकिन गन्ने के जूस से होता है ना? अच्छा। गन्ने के जूस से मतलब आपकी तबीयत खराब नहीं होती। अच्छा, नहीं आगे मिलेगा तो मतलब ज्यादा काम पुलिस का यहाँ पे ट्रैफिक का। अच्छा, यहाँ पे मास्क भी नहीं लगा, हॉस्पिटल बहुत है यहाँ पे जगह जगह जी। ये जो सामने इधर की ओर देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन है, नीचे है ना जी? यही नीचे, ये सामने में पार्क, ये वाला जो पार्किंग है ना ये रेलवे बस है। टॉय ट्रेन नहीं आती है ना? नहीं आती है भैया, टॉय ट्रेन नहीं आती, नॉर्मल ट्रेन भी आती है जी। नॉर्मल भी आती है, ये लोग शिमला से चले हुए करीब हमें 1 घंटे हो गए हैं और अभी हमें धामली जो इलाका है धामली गांव है यहाँ पे हम लोग रुके गन्ने का जूस। भैया 3 गिलास बना दिए, हाँ नहीं बर्फ़ नहीं डालना हमारे 3 2 5
तो यहाँ पे हम 3 गिलास गन्ने का जूस पिए। गन्ने का जूस पी लेना थोड़ा सा। बाबू तबीयत वो है, पी लो ना, देखो आराम। नारियल पानी नहीं मिल रहा, नहीं तो नारियल पानी पिलाता। ठीक है, तो ठीक है हमारा। देखिए अभी गन्ने का जूस बन रहा है। अभी ये जगह वो कौन सा जगह है? शिमला। ये शिमला है ना? शिमला कौन सा जगह? हिनाटी। हिनाटी ये जगह है। तो अभी शिमला से हमें निकले हुए करीब 45 मिनट हो चुके हैं और ये जगह है, जगह बोलते हैं हिनाटी। यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे गन्ने के जूस के लिए रुके हैं, क्योंकि ड्राइवर साहब हमारे जो है बता रहे हैं कि अगर आप सफ़र में गन्ने का जूस वगैरह पी लेते हैं तो उल्टी वगैरह नहीं आती। पिस्ता जत्ता गन्ने का जूस। तो मेरी बना वीडियो, एक कलुआ है ये पीने जा रहे हैं जूस और हमको भी जबरदस्ती पिला रहे हैं, बोल रहे हैं कि सफ़र में चक्कर आएंगे इसलिए जूस पियेंगे तो तबीयत ठीक रहेगी। देखते हैं पीने के बाद कैसा रहता है। लीजिए भैया। थैंक यू। तो मेरा जूस आ गया है और मैं अब जूस पी रही हूँ। टेस्टी है, नींबू है तो बहुत अच्छा लग रहा है। उधर जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, आके पी लो। मैं तो एक गिलास और पीऊँगा। आपको किसने मना किया पीने के लिए? बंद करो गेट। तो ये देख सकते हैं ये जूस पी रही हैं अभी मोहतरमा बाबू। टेस्टी लग रहा है, पता है नींबू डाला है, नींबू नमक तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पीते नहीं हूँ लेकिन, बट पता है ये मीठा ज़्यादा होता है इसलिए नहीं पीते, लेकिन अभी मीठा ठीक है। एक गिलास और देना, एक गिलास और देना बाबू। थोड़ा सा पियो। नहीं ना, किसी कटक कटक करके पी लो, पैसे दो। देखते हैं ऑनलाइन पे हो जाएगा ना? ऑनलाइन नहीं चलता। गन्ना बाहर से आता है, यहीं से होता है? बाहर से आता है। कितना हुआ? 3 ग्लास। 4 ग्लास। ये पेड़ काहे के हैं? इसमें कुछ लगा हुआ है? सेब के, छोटा छोटा। नहीं सेब के थोड़े ना, काली मिर्च जैसा कुछ लगा हुआ है ना। चले भैया, 80 रुपए का हमने जूस पिया, 20 रुपए गिलास जूस है, काफ़ी अच्छा है। चलो अब चक्कर नहीं आएंगे ना? नहीं का? अब इतना नहीं, अब जब तुम सोचो कि आए 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 तो जरूर नहीं, नहीं तो गजब बात करती हो। तो कौन सोच रहा है, मैं बोलूं नहीं आएंगे ना। लेकिन अभी तुम जिप को आप मैडम ध्यान ही ना दो ना। हाँ अभी तो आएगी नहीं, अभी तुम चिप्स खा लेती ना 100% आते, 101%। और दोस्त देती तुमने गन्ने के जूस पिया ना इसलिए। ठीक है, तो हमने वहाँ से जूस पी लिया। अब जूस पीने के बाद हम आगे निकल चुके हैं अपने अभी आगे बाद मनाली की तरफ। देर बाद गाड़ी रुकेगी? 2 घंटा। तो भैया 12 बजे हम चले थे और अभी बज रहे हैं 1:30, और हम एक जगह पे रुक गए हैं। इस जगह का नाम है, इस जगह क्या नाम है, दारल घाट। दारल घाट इस जगह का नाम है और यहाँ पे इनको थोड़ा चक्कर आने लगे हैं। ये देखिए लुल्ल हो गई है, तबीयत खराब है। चाय पी लो? हाँ चाय पी लो, पी लो। आप पियेंगे? नहीं नहीं नहीं, चाय पियोगी? कान बंद हो रहे हैं इनके, इनको चक्कर आ रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लो फिर चलते हैं। पानी लो, पानी पी लो। खाली पेट में पानी पीने वाली।
ये हमारी गाड़ी है, टैक्सी देख लीजिए आप, पूरी टैक्सी है। और यहाँ पे ड्राइवर साहब गए हैं चाय वाय पीने के लिए। यहाँ पे चाहें तो आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वो बैठी हुई हैं। नहीं नहीं पियो नहीं, अभी सुबह पिया था। सो जाओ बाबू आप, उसमें घूमनी आती है। सो जाओगी तब पर भी? हाँ। कैसी घूमी मतलब? मतलब ऐसा लग रहा है कुछ भी है वो ऊपर चढ़ रहा है, ये लगता है सारा उगड़म बगड़म हो जाता पेट में। अच्छा हुआ कुछ खाया नहीं। एक साइड करके ऐसे करके सो जाओ। नहीं सो रही हूँ तो और घुंगी चढ़ रही है। बैठ के नहीं, कैसे भी लेट के, मैंने देखा लेट के और घुंगी चढ़ रही है। ऐसा लग रहा पेट का जो भी है सब ऐसे ऐसे हिलता जा रहा है। फिर क्या करें, बैठ के चलूंगी? आगे बैठोगी? नहीं आगे नहीं बैठ। क्यों आगे बैठ जाओ, क्या पता अच्छा लगे। हाँ क्यों,